हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। आज के लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो टॉपिक है, ये बिल्कुल ही नया होगा आप लोगों के लिए जो 10th क्लास के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेसिक वे में समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात मेंशन कर देता हूँ कि जो लोग जेई की तैयारी करने वाले हैं, उनको 11th क्लास में कुछ महीने बाद ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट एक महीने पढ़ाया जाता है, तो हम लोग उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे जो फिजिक्स में हमें आने वाले टाइम में यूज पड़े। लेकिन बाइनोमियल एक्सप्रेशन से पहले एक छोटा सा सब टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, वो है फैक्टोरियल। इसे ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल एक ऐसी चीज है जो डिफाइंड किया गया है मैथमेटिशियन के द्वारा। कुछ चीजें डिफाइंड होती हैं और कुछ चीजें डिराइव्ड होती हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, मास, लेंथ, टाइम, ये सब डिफाइंड क्वांटिटीज हैं। लेकिन वही फोर्स की बात करें तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये फैक्टोरियल एक डिफाइंड क्वांटिटी है। इसकी सिंबल जो होती है वो कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क की तरह होती है, मतलब एक लाइन और नीचे एक बिंदु। अब इसे डिफाइन कैसे किया गया वो मैं आप लोगों को डिफिनेशन बता देता हूं। इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कि कोई एक स्मॉल एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। मैं लिख देता हूं इसे, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन एन फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। डिफिनेशन से आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं इसका मैथमेटिकल लिख देता हूं। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक कंडीशन बस इंपॉर्टेंट है कि n पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 आगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n, यानी n के बराबर और उससे कम के जितने इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट होगा। तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n into, ये तो इक्वल हो गया, इसके इससे कम क्या हो जाएगा, n माइनस वन। अब देखिए कुछ भी मैं साइन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है। फिर इससे क्या कम होगा, एन माइनस टू। फिर इससे कम क्या होगा, एन माइनस थ्री। यही ऐसे चलता चलता वन तक आएगा, क्योंकि वन से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं माना जाता है। हाँ, एक स्पेशल केस है जिसे आप लोगों को याद रखना होगा, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू भी वन ही होता है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है और वन फैक्टोरियल का वैल्यू भी वन होता है, क्योंकि वन से छोटा और कुछ है नहीं। तो बस ये फैक्टोरियल था, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n फैक्टोरियल को मैथमेटिशियंस ने इस तरह से डिफाइन किया है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे n माइनस वन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो डिफिनेशन से आप लोग समझ सकते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, वो नंबर और उससे छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 इंटू वन लास्ट में, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत अच्छा डेरिवेशन भी आ जाएगा, एक फॉर्मूला टाइप का भी। एक इस इक्वेशन को वन मान लीजिए और इस इक्वेशन को टू मान लीजिए, और अपन क्या करते हैं वन डिवाइडेड बाई टू करके देखते हैं कि क्या होता है। वन डिवाइडेड बाई टू, तो यहां क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्या क्या कट जाएंगे इसको डिवाइड करने पे, n माइनस वन के बाद जो भी टर्म्स हैं सब यहां पर भी कॉमन है, तो सब ये कटते जाएंगे, बस बचेगा क्या स्मॉल n। तो यहां से एक फैक्टोरियल एक इक्वेशन आ गया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और क्या याद रखना है आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर ये जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है और वन फैक्टोरियल का वैल्यू भी वन होता है, इसे डिफाइन किया गया, स्पेशल केस है ये। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई आपसे पूछे फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो बस डिफिनेशन से आपको आगे बढ़ जाना है।
फाइव और उससे सारे छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होने चाहिए। फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना आ गया वैल्यू इसका, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी टू जा वन ट्वेंटी। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे फैक्टोरियल का मतलब। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इस पे। नाइन फैक्टोरियल बाय सेवन फैक्टोरियल इसका वैल्यू कितना होगा, बस बेसिक डिफिनेशन यूज करना है फैक्टोरियल का, एकदम बेसिक बेसिक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और इससे ज्यादा जानना भी नहीं है इसमें। नाइन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं जरा इस फॉर्मूला का भी यहां पे यूज करके आपको दिखाता हूं। इस फॉर्मूला में खासियत क्या है, जो नंबर है वो नंबर बस रहेगा और साथ में उसका छोटा वाला फैक्टोरियल हो जाएगा, जस्ट एक छोटा। तो नाइन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, नाइन इंटू एट फैक्टोरियल, ठीक है। सेवन फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। फिर एट फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, एट इंटू एक छोटा यानी सेवन फैक्टोरियल। तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल। अब आपको लग रहा होगा मैं सेवन फैक्टोरियल को क्यों नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि ये कटने वाला है यहाँ पे। तो नाइन एट जाए कितना हो गया, 72 आंसर डायरेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करके देखें, मैं अभी सॉल्यूशन भी इसको कर दूंगा। चलिए आप लोग होप कर लिए होंगे सब लोग सॉल्व, देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोगों ने सही किया है कि नहीं। 10 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फिर 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो मैं थोड़ा सा है ना एक दो स्टेप मारता हूं और करना भी पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। 10 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल को दिमाग में सोच रहे हैं कि 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 फैक्टोरियल मैं नहीं लिख रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल को और कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल भी मैं नहीं लिखूंगा, 7 को भी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे 6 है, इसको इसकी किस्मत में कटना है इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। अब देखो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे देखिए 6 फैक्टोरियल है, ये आपस में कट जाएंगे। और देखिए क्या क्या कट जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कट जाएगा। अब देखिए यहां पर भी हम लोग वही स्टेप कर सकते थे, 4 फैक्टोरियल को लिख देते 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाता। तो आप कुछ भी यूज करेंगे आंसर आएगा ये, आप चाह के भी इसमें गलतियां नहीं कर सकते। अब बाकी देखिए 4 टू जा 8 तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, 10 इंटू 9, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 1260। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बस ये एक छोटा सा सब टॉपिक था फैक्टोरियल, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन किया गया है। एन फैक्टोरियल को वो नंबर इंटू उसका छोटा मल्टीप्लीकेशन करते करते सबसे छोटा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर तक पहुंच जाना है, ठीक है। स्पेशल केस आपको बस दिमाग में रखना है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, 0 नहीं होता है। बाकी ये फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, n फैक्टोरियल इंटू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखा जाए तो ये बेसिकली डिफिनेशन से डिराइव्ड हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि n को लिखते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और n माइनस 1 n माइनस 2 को n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। अब हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ये यूज था इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया। हाँ तो अब हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। बाइनोमियल जैसे कि देख सकते हैं दो शब्दों से बना है, बाई और नोमियल। तो सिंपल सिंपल शब्दों में बाई का मतलब होता है दो, टू, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें दो टर्म होंगे और वो किसी पावर के साथ जुड़े रहेंगे। तो हम लोग बेसिक बेसिक इसमें देख लेते हैं, पहले आप लोग भी बता सकते हैं ए का ए प्लस बी, ये दो टर्म हो गए यहाँ पे ए और बी, कोई भी इंटीजर ये हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बाद में ये वेरिएबल की तरह भी हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। तो a प्लस बी का पावर 0, क्या बता सकते हैं कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, बिल्कुल सही। a प्लस बी का पावर 1 कितना आने वाला है, ऑब्वियस है a प्लस बी। a प्लस बी का पावर 2 कितना आने वाला है, ये तो मोदी जी को भी याद था a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा देखते हैं ए प्लस बी का पावर थ्री, इसे आप मल्टी, अगर जिन्हें याद नहीं है ये आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप लोग डिराइव कर सकते हैं, मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। चलिए यहां तक तो हर किसी को याद होता है। मान लीजिए अगर मैं पूछूं अब ए प्लस बी का पावर फोर क्या होगा, या एक मैं जंप मारता हूं और डायरेक्ट पूछता हूं ए प्लस बी का पावर फिफ्टीन कितना होने वाला है, हालत खराब हो जाएगी। तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए यह चैप्टर आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और हम लोग यहां पर एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, मैं उस पर आता हूं। लेकिन उसके पहले a प्लस बी का पावर फोर हम लोग बेसिक मेथड से करके देखते हैं क्या होता है a प्लस बी का पावर फोर। तो इसको क्या किया जाए ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का पावर थ्री करके सॉल्व करेंगे, यही बेसिक है, इससे बेसिक और क्या ही हो सकता है। अब a प्लस बी का पावर थ्री ऊपर से हम लोग उतार लेते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप लोग टेंथ के बच्चे हैं तो मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा आप लोगों को, ए से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा ए का पावर फोर इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा थ्री ए क्यूब इंटू बी, इसके साथ क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा ए बी क्यूब। उसी तरह बी से सारे सिंगुलर टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब बी, ये क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसके मैं नीचे लिख देता हूं इसे, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो थ्री ए बी क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी का पावर फोर। बहुत देखिएगा बहुत एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने आएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब ये थ्री ए क्यूब है, देखते हैं और कुछ इससे मिलता जुलता है कि नहीं, ये ए क्यूब बी, ये दोनों आपस में मिलके कितने हो जाएंगे फोर ए क्यूब बी। उसी तरह से ये और ये आपस में मिलके कितने हो जाएंगे थ्री थ्री सिक्स होता है ना, हाँ, फिर उसी तरह ये आपस में मिलके कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे फोर ए बी क्यूब, फिर प्लस बी का पावर फोर। देखिए आ गया, थोड़ा मेहनत करना पड़ा लेकिन आ गया। अब उसी तरह से a प्लस बी का पावर फाइव आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी मेथड है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। a प्लस बी का पावर फोर था, ये थोड़ा बहुत आसान भी था लेकिन इसके बाद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होता जाएगा। अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यहाँ पे जो मैं इतने मल्टीप्लीकेशन किया हूं पावर में इससे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूं, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आप देखिएगा तो पावर से एक ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहां पे, यहां जीरो पावर था एक ज्यादा, मतलब वह एक आया इसमें, इसमें एक पावर था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए यहां पे दो, यहां दो पावर था तीन आए, यहां चार पावर था तो देखिए कितना है एक दो तीन चार पांच, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं एक ज्यादा आ रहा है। तो इसे हम ऑब्जर्व करके यहां पे एक नंबर वन पॉइंट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू पावर प्लस वन। पावर समझ रहे हैं, ये जो ए और बी है उसका पावर की बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, ये जो इंडिविजुअल टर्म्स जो आ रहे हैं किसी को भी देख लीजिए, जैसे ए प्लस बी, यहां ए का पावर कितना है वन है, बी का पावर भी यहां पे कितना है वन है, और यहां पर भी देख सकते हैं कि नेट पावर भी कितना है वन है। इसमें देख लीजिए आप लोग ए का पावर कितना है टू है, और अगर ए का पावर टू है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक बी रहा होगा लेकिन बी का पावर कितना रहा होगा जीरो रहा होगा, तो ए का पावर टू और बी का पावर जीरो, टू प्लस जीरो कितना हुआ टू हुआ, ये भी देखिए नेट पावर के बराबर ही है। इसमें देख सकते हैं ए का पावर वन है और बी का पावर वन है, तो दोनों है ना क्या कहता है इंडिविजुअल टर्म्स का अगर पावर का समेशन किया जाए तो वो नेट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन के बराबर ही आ रहा है। किसी में भी देख सकते हैं, पावर फोर वाले एक्सपेंशन में भी देख सकते हैं आप, कोई भी एक टर्न उठा लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का पावर टू बी का पावर टू, तो टू टू कितना हो गया फोर हो गया। ये लास्ट वाला टर्म भी देख सकते हैं बी का पावर फोर है, इसका मतलब ए का पावर यहाँ पे जीरो छुपा हुआ है और ए का पावर जीरो यानी जीरो प्लस फोर कितना हो रहा है फोर हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उसे हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा।
सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स इज इक्वल टू पावर ऑफ, या यूं कहें तो नेट पावर ऑफ ए प्लस बी, मतलब यहां पे जो पावर होगा उस पावर के बराबर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? मे भी नहीं हुआ होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं यहां पर, अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग आगे चलते जाएं तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से मैं सजा के यहां पे लिखा हूं और उसका कुछ रीजन भी था क्योंकि ये आप लोगों को समझाना था। ए का पावर घटता जा रहा है, देखिए यहां ए का पावर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है और यहां तो 0 हो गया, ठीक है। या लास्ट एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं, यहां पावर 4 है, यहां 3 हो गया, यहां 2 हो गया, 1 हो गया, फिर यहां पे 0 हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर घटता जा रहा है, नीचे एरो का मतलब लिख देता हूं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। उसी तरह से अपन जब देखेंगे बी का पावर का क्या हस्र हो रहा है, तो वो हम लोग पाएंगे कि ये बढ़ता ही जा रहा है। यहां देखिए बी का पावर कितना है, 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है। इस लास्ट एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं बी का पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो बी का पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज बस टर्न बच गया है इस एक्सप्रेशन में कि ये कोफिशियंट का वैल्यू कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देख सकते हैं कि यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 1 हो गया, यहां पर 1 है कोफिशियंट, यहां 4 है कोफिशियंट, यहां पर 6 है कोफिशियंट, यहां 4 है, फिर यहां पर 1 हो गया। अब देखिए ये भी ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है, यहां पर भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। बेसिकली आप एक पैटर्न तो देख सकते हैं आराम से कि जो सबसे पहला टर्म है उसका कोफिशियंट हमेशा ही 1 है, ठीक है। यहां तो 1 ही था, यहां ए के आगे कोफिशियंट क्या है, 1 है, यहां पे भी ए स्क्वायर के आगे 1, यहां पर भी ए का पावर 4 के आगे 1 है। और दूसरी क्या बात है, जो सबसे लास्ट टर्म है उसका भी कोफिशियंट 1 है, इत्तेफाक से देख सकते हैं, यहां पे बी के आगे 1 है, यहां बी स्क्वायर के आगे 1 है, यहां बी क्यूब के आगे 1 है कोफिशियंट, यहां बी का पावर 4 के आगे 1 है। तो दो जगह तो हम लोग पूरा श्योर हो गए कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशियंट जो होने वाला है वो 1 होने वाला है। फिर बात है कि बीच में क्या होने वाला है, तो इसी बीच को समझने के लिए हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा था, उसका भी यहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिख देता हूं आप लोगों के लिए, उसका एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, और हाँ उसमें आप लोग देखेंगे कि ये सब ऑब्जर्वेशंस का भी यूज किया गया है। आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम ज्यादा रटना ना पड़ जाए, ज्यादा हार्ड ना पड़ जाए, इसलिए मैं बेसिकली ये ऑब्जर्वेशंस लिखा हूं। बाकी मैथ्स में तो डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम लिखा जाता है और फिर आगे उसको याद ही करना होता है। तो आई होप कि आप लोग ये ऑब्जर्वेशन समझ गए होंगे। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लिख दूंगा और उसे याद करना अब आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। यहां हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर 4 है, ए का पावर जैसे कि हमने यहां पर देखा कि वो घटता जा रहा है और बी का पावर बढ़ता जा रहा है, तो फिर एक सवाल उठता है कि कहां से बढ़ रहा है और कहां से घट रहा है, कहां तक घट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो फर्स्ट जो टर्म है ए उसका हाईएस्ट पावर 4 है और वो 4 से 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हुआ। और उसी तरह बी उल्टे तरीके से चलता है, यहां बी का पावर 0 है, यहां 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो मैं क्या चाहूंगा ना कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करें और जो आपने नोट्स बनाया है इसका, इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से अपने तरीके से कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे, उसे आप लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये थ्योरम आपको दिमाग में रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने बाइनोमियल थ्योरम लिखने जा रहा हूं। स्टेटमेंट की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, इफ ए एन बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेरिएबल, ये सब सब कुछ भी मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी का पावर एन है, एन यहां पे कोई भी पावर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पावर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये, ए प्लस बी का पावर एन। तो इसको हम लोग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम लोग बस ये ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि पहले कोफिशियंट को मैं बाद में पुट करूंगा कि क्या होगा, वो एकदम आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। पहले मैं जो जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जो चीजें हम लोग जान रहे हैं, वो सब हम लोग लिखते जा रहे हैं। तो एक चीज देख सकते हैं, नंबर ऑफ टावर
टर्म्स पावर प्लस वन होगा, एक ज्यादा होगा पावर के, यानी एन अगर यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन होंगे, है ना। तो अब एन यहाँ पे वेरिएबल है ना, मुझे नहीं मालूम कि ये फाइव है कि सिक्स है, तो यहाँ पे बीच में डॉट 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 करने की भी नौबत आएगी, वो हम लोग कर लेंगे अच्छे से। सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल टर्म, वो हम लोग को ध्यान रखना है कि नेट पावर ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल पावर इंडिविजुअल टर्म्स, यानी ए का पावर और बी का पावर का जो सम होगा हर टर्म में वो एन के बराबर होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर ए का पावर घटता जाएगा, कहां से घटेगा, पहली बार एन होगा, फिर एन से एन माइनस वन होगा, फिर एन माइनस टू होगा, होते 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 वो जीरो तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ बी का पावर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसका मतलब कि पहला टर्म में बी का पावर जीरो होगा, उसके बाद सेकेंड टर्म में बी का पावर वन होगा, फिर टू होगा, थ्री होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या होगा, एन माइनस वन होगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट टर्म में बी का पावर कितना होगा, एन होगा। तो अपन लिखते हैं इसको, कोफिशियंट मैं बाद में पुट करूंगा। तो सबसे पहले पहला टर्म जो होगा उसमें ए का पावर एन होगा और बी का पावर जीरो होगा, तो बी का पावर जीरो लिखने का मन कर रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं कर रहा है, बी का पावर जीरो वन ही होता है, हटाइए उसको। फिर उसके बाद यहाँ कुछ न कुछ कोफिशियंट होगा, यहाँ पर भी कुछ न कुछ कोफिशियंट होगा। अब पहला कोफिशियंट वन होगा, ये भी आप लोग जान रहे हैं क्योंकि पूरा ऑब्जर्वेशन से यह चीज समझ में आ चुका है। खैर, उसको अभी हम लोग बाद में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पावर एक कम होगा यानी एन माइनस वन होगा, और बी का पावर बढ़ता है यानी यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ कुछ ना कुछ कोफिशियंट रहेगा, मैं उसे उसके लिए खाली जगह छोड़ देता हूँ। ए का पावर पे ध्यान देते हैं, ए का पावर इससे एक घटेगा तो एन माइनस टू हो गया, बी का पावर बढ़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह छोड़ देता हूँ कोफिशियंट के लिए, फिर लिख देता हूँ ए का पावर कितना होगा, अब एन माइनस थ्री होगा और बी का पावर थ्री होगा। अब एक चीज आप लोग देख सकते हैं, हर जगह टोटल पावर n ही है, देखिए n माइनस वन प्लस वन एन हुआ, n माइनस टू प्लस टू एन हुआ, n माइनस थ्री प्लस थ्री एन हुआ, ठीक है, तो ये टोटल पावर होगा। अब हम लोग आगे लिखते हैं प्लस, अब बार बार क्या ही लिखा जाए, तो मैं डॉट 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 कर देता हूं। सबसे लास्ट टर्म अब लिखते हैं क्या, तो लास्ट टर्म में क्या होने वाला है आप लोग गेस कर सकते हैं, ए का पावर एन से घटते घटते जीरो हो जाएगा और बी का पावर बढ़ते बढ़ते एन हो जाएगा। तो क्यों ना इसे लिख देते हैं, ए का पावर जीरो लिखें क्या, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ए का पावर जीरो वन होता है, बी का पावर एन लिखते हैं, ठीक है। अब बात रह गई है बस कोफिशियंट पुट करने की। तो सबसे पहला जो होता है टर्म, उसमें आप लोगों ने ऊपर भी देखा ऑब्जर्वेशन से, सबसे पहला हर जगह कोफिशियंट क्या है, वन ही है, तो यहां पर भी सबसे पहला कोफिशियंट क्या होगा, वन होगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है, अब इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, मैं ऊपर के एक्सपेंशन से आपको ये प्रूव भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसे याद रखते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है एन होता है, ठीक है, इसके बाद जो कोफिशियंट होता है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल होता है, टू फैक्टोरियल अभी हमने पढ़ा, टू इंटू वन, ठीक है, यहाँ पे n बाय वन फैक्टोरियल से भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन वन फैक्टोरियल भी कितना होता है, वन ही होता है, तो इसलिए इसे हटाते हैं हम लोग या लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है a का पावर n माइनस थ्री इंटू बी का पावर थ्री, यहां पर क्या होगा कोफिशियंट, अपन देख लेते हैं इसे, यहां पर कोफिशियंट होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल। याद करने में आप लोगों को आसानी हो रही है क्या, आप लोग कुछ ट्रिक निकाल पा रहे हैं, देखिए टू फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो n इंटू एन माइनस वन एक घट गया, यहाँ थ्री फैक्टोरियल है तो तीन बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और घटता जा रहा है, कुछ फैक्टोरियल का ही थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पर, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। सबसे लास्ट टर्म का भी कोफिशियंट क्या होता है, वन ही होता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, और ये याद रखना भी आप लोगों को बहुत इजी रहेगा कि सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म का कोफिशियंट क्या होता है, वन ही होता है। बीच में बस आप लोगों को याद रखना होगा कि n बाय वन फैक्टोरियल, फिर n इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बाद अगर एक और टर्म होता, मैं लिखता होता क्या है ही एक टर्म और मैं उसे लिखना चाह रहा हूं, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा यहां पर? सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का देख लेते हैं, ए का पावर कितना होगा आप लोग गेस कर सकते हैं? तो यहां पे देखिए एन माइनस थ्री था, एक घटेगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, एन माइनस फोर हो जाएगा। उसके बाद बी का पावर क्या होता है, एक बढ़ जाएगा फोर, अब दोनों का सम एन के बराबर होना भी चाहिए था और है भी, बहुत अच्छी बात है। क्या कोफिशियंट आप गेस कर सकते हैं? एक बार वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाने की सोचिए कि किस ट्रिक पे यह काम कर रहा है।
आई होप कि आप लोग सोच पाए होंगे इसे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। अब देखिए यहाँ 3 factorial है तो 3 multiplication और n से ही स्टार्ट हुआ है और वो घटता जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 factorial आने वाला है। ठीक है, 4 factorial यहाँ पे आने वाला है। ऊपर का कोफिशियंट क्या होगा देख लीजिए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, जगह था कम था इसलिए मैं छोटा छोटा लिखा हूं यहाँ पर। ठीक है, 4 बार यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, कोई दिक्कत यहां तक, यही बाइनोमियल थ्योरम है और इसे ही आप लोगों को याद करना होगा। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा कि कहां यूज करना है, कब यूज करना है इसे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ रहे थे। हाँ, अब आप चाहेंगे कि इसे भी एक्सपेंड करके एक बार इस बाइनोमियल थ्योरम से देखते हैं कि वही चीज आता है कि नहीं आता है, तो हम एक एग्जांपल जो हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं उसी का यूज करते हैं। क्या तो हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, a प्लस बी का पावर 4, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, वी हैव टू डू विथ बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले a का पावर कितना होगा, 4 होगा, b का पावर 0 होगा और इसका कोफिशियंट 1 होगा, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है अब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, n होता है, n यहां पे क्या है 4 है, a का पावर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा और b का पावर 1 बढ़ जाएगा, यहां पे 0 था तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का पावर 1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस अब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n इंटू n माइनस 1, मैं इसे यहां पे रफ कर दे रहा हूं, n इंटू n माइनस 1 यानी 3 बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और उससे छोटा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, तो हम लोग यहां पे उठा के 6 रखे, a का पावर यहां पे क्या होने वाला है 1 घट जाएगा, b का पावर 1 बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, a का पावर 1 और घटेगा, a का पावर 1 हो जाएगा और b का पावर बढ़ के 3 हो जाएगा, यहां पे कोफिशियंट क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 फैक्टोरियल का यहां चक्कर है, तो देखिए 3 बार मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 × 3 × 2 है ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल को हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, 3 × 2 कट गया, बस 4 बचा, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं, a का पावर 1 घट के कितना हो जाएगा, a का पावर 0 यानी 1 और b का पावर 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, b का पावर 4 और कोफिशियंट क्या रहता है यहाँ पे 1 रहता है, तो देखिए आ गया, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना, यहां से और यहां से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, तो आज आप लोग बाइनोमियल थ्योरम बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।